आदाब नाजरीन, मैं रुखसार फातिमा, E7 न्यूज में आपका खैर मकदम है। शहर बिदर के वार्ड नंबर 8 के कौंसलर खदीर ने निमंदी केंद्र का 2 दिन कबल खसूसी दौरा किया। उस दौरान वहां पर अवाम को जाने आने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, जहां पर ज़ईफ़ लोगों का ज्यादा गुजर होता है। उस रास्ते में बड़े बड़े मिट्टी के अंबार कई दिनों से पड़े हुए थे। उन हालात को देखकर आज कौंसलर खदीर ने JCP मंगवाकर पूरी तरह से रास्ते को साफ किया और कहा कि बिदर MLA रहीम खान का शुक्रगुजार हूं। जैसे ही मैंने इस बारे में इतला दी, उसके साथ ही वहां काम की शुरुआत हुई और वहां पर मौजूद सामाजिक कारकुन वसीम किरमानी ने बिदर MLA और बिदर एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया और खुसूसन वार्ड नंबर 8 के कौंसलर खदीर का भी शुक्रिया अदा किया। हमारे नुमाइंदे लैखुद्दीन की रिपोर्ट, E7 न्यूज़, बिदर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं जिस तरीके से 2 दिन पहले विज़िट किया था निर्मिति केंद्र में, जहाँ पर जो आधार कार्ड का करेक्शन का वगैरह काम शुरू हो चुका है और अच्छे लोग जो है माशाल्लाह बहुत लोग आके काम कर ले रहे हैं अपने अपने जो ज़रूरत के मुताबिक। और इसी वजह से मैं वादा किया था गंदगी वगैरह सब साफ़ करूँगा, CC रोड डलाऊँगा, 8 दिन में तो क्लियर करूँगा बोले तो। JCP वगैरह से जो भी है सफाई तो चल रहा है, लोगों को जो तकलीफ़ थी वो तो काम चल रहा है। और ही कुछ दिनों के अंदर जो है मैं इसको CC बेड वगैरह MLA साहब को पकड़ के उनके फंड से वगैरह उनको बोल के CC रोड जो जो भी यहाँ की तकलीफ है उसको दूर करने की पूरा कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। और यहाँ पर ये एक ही छत के नीचे और 2-3 चीज़ें रखना बोल के MLA साहब को भी बात किया हूँ। एक आधार कार्ड का करेक्शन तो चालू हो गया, दूसरा जो है ID कार्ड का मसला बहुत बना हुआ है। ID कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, जो इलेक्शन ID कार्ड का जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर बैठ के एक ही छत के नीचे क्लियर होना, दूसरा जो है ओल्ड एज पेंशन का भी काम यहाँ से होना और तुरंत उसको जो है अप्रूवल होना, यहाँ तहसीलदार साहब से, AC साहब से मिलके, MLA साहब से बोलने लगा के बिल्कुल इसको आसानी से लोगों तक पहुँचना सहूलत ऐसा करना बोल के चल रहा। जो 2 दिन पहले मैं विज़िट किया था उसके हिसाब से वादा किया था, ये काम चल रहा है और भी इंशाल्लाह जो भी तकलीफ़ है, लाइट की रोशनी जो भी यहाँ पर है इंशाल्लाह करने का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा, लोगों को आने जाने, CC रोड वगैरह भी बिल्कुल जल्द से जल्द इसका काम हम इंशाल्लाह उसी हिसाब से जो है हमारे MLA साहब रहीम खान साहब का भी बहुत शुक्रिया, जो हम उनको बार बार ये किए थे, प्रेशर किए तो उन्होंने खुद मेरे को 10 बार बोले कि अरे तुम्हारे एरिया में है जल्द से जल्द काम करो, मैं क्या करना है करता हूँ बोलने से ये जल्द से जल्द काम हो रहा है। और MLA साहब का बहुत शुक्रिया, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत शुक्रिया। अवाम से मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आधार कार्ड का जो काम है, कई हर घर में परेशानी है, एक स्पेलिंग गलत है तो काम नहीं होता आपका, और जो है एक मोबाइल नंबर गलत हो गया तो काम नहीं होता, पूरा रुक जा रहा है। लिहाजा जो है आप अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट कर लीजिए, यह मैं अपील करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिदर DC साहब
और बिदर एमएलए और जितने भी, सबसे मैं रिक्वेस्ट किया था इंचार्ज मिनिस्टर और एमपी साहब से कि दो दिन पहले यहाँ पर जो मसाइल थे बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों ने मेरी आवाज़ को रिस्पांस दिया, बिलखसूस यहाँ के लोकल जो कौंसलर है अली जनाब खदीर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप आवाम के मसाइल को समझ रहे हैं। खदीर साहब जो काम कर रहे हैं काबिल तारीफ काम है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाज़ को डीसी साहब भी समझे, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब भी समझे, एमएलए साहब भी समझे और यहाँ के लोकल काउंसलर दिलचस्पी लेकर यहाँ पर मौजूद है, उनकी निगरानी में काम हो रहा है और यहाँ पर अवाम के मसाइल अच्छी तरह से हल होंगे और अवाम को यहाँ पर अच्छी सहूलत मिलेंगी। ख़ास तौर पर खसूसी तौर पर ख़वातीन आते हैं यहाँ पर जो है सो ना उनके छोटे बच्चों के साथ, उनको ज़रूरत से कुछ फारिग होने के वास्ते यहाँ पर जो है ना लेडीज़ टॉयलेट वगैरह का भी इंतज़ाम करने वाले हैं इंशाअल्लाह। और मैं शुक्रगुजार हूँ बिदर डिप्टी कमिश्नर का और जो है सो ना बिदर एमएलए का और जितने भी यहाँ के जिम्मेदार हैं जो मेरी आवाज़ को समझे, जो आवाम की तकलीफ़ को समझे और जो काम कर रहे हैं यकीनन काबिले तारीफ है। हर अच्छे काम की तारीफ होंगी, गलत काम को वसीम किरमानी क्रिटिसाइज़ करेगा, जो भी अच्छा काम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी तारीफ़ करेंगे। जमहूरी हक है अच्छे काम की तायद करना, काम गलत हो रहा था उसको क्रिटिसाइज़ करना। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।